रुपए का जो वैल्यूएशन है सभी रिजर्व बैंकों को, किसी भी कंट्री की हो, उस रिजर्व बैंक को जितना सोना है उसके अगेंस्ट में करेंसी छापनी होती है, जितना गोल्ड है, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी गोल्ड है, आईएमएफ की करेंसी गोल्ड है। पहले कभी आईएमएफ की करेंसी भी डॉलर हुआ करती थी, लेकिन जब एक बार 1973 या 77 में रिसेशन आया तो फिर डॉलर एकदम गिर गया था, तो अब इंटरनेशनल करेंसी गोल्ड है। कोई भी संसार की कोई भी कंट्री अगर अपने यहां करेंसी छापेगा तो उसको गोल्ड के एवज में करेंसी छापनी होगी। सपोज किसी के पास इतनी करेंसी है, इतना गोल्ड है, मैं मानता हूं कि मेरी सरकार है और 1 किलो गोल्ड है मेरे पास, और 1 किलो गोल्ड में मैंने 1000 रुपए छापे, तो 1 ग्राम गोल्ड कितने का हुआ? 1 रुपए का। और एक दूसरी सरकार है जिसके पास 1 किलो गोल्ड है और उसने 1 किलो गोल्ड में 5000 रुपए छापे, तो उनका 1 ग्राम कितने का हुआ? 5 रुपए का। तो हमारी करेंसी और उसकी करेंसी में कितना डिफरेंस आया? 4 रुपए का, मतलब 5 रुपए का। हमारा 1 रुपया उस गवर्नमेंट का 5 रुपया बराबर होगा। इसलिए जो जितनी भी फेडरल बैंक्स होती हैं उनके पास गोल्ड का रिजर्व होता है, उस रिजर्व के अगेंस्ट में वो अपनी करेंसी छापकर मार्केट में चलाता है और इंटरनेशनली मोनेटाइज होता है। इसलिए हमारे गोल्ड के एवज में सपोज किसी सरकार ने करेंसी ज्यादा छाप दी, उसको लगा कि मैं इनफ्लो बढ़ा दूंगा करेंसी का, तो करेंसी का जैसे ही वो फ्लो बढ़ाएगा वैसे उसको अपनी करेंसी डीवेल्युएट करनी पड़ेगी। जैसे चाइना ने अभी डीवेल्युएट करी, अवमूल्यन किया, तो उन्होंने कहा भाई अब हमारी करेंसी ये उसका रेट होगा। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट में पैसा कम पड़ गया, उसका ट्रेड नहीं चल रहा उस कंट्री में, तो वो क्या करेगा? करेंसी छापकर मार्केट में निकालेगा। वो सैलरियां बढ़ाएगा तो कहां से देगा? करेंसी छापेगा और सैलरियां देगा। पैसा ज्यादा हो गया, रिजर्व कम रह गया, तो पैसा ज्यादा रिजर्व कम है तो उसको करेंसी को डीवेल्युएट करना पड़ेगा, तब वो मार्केट में चलाएगा। तो अपने इस कंट्री लेवल पर तो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली उसकी वैल्यू कम हो गई। ऐसे वर्ल्ड वाइड करेंसी छपती है और उसका कंपैरिजन होता है। इसलिए आज 1 डॉलर की कीमत 66 रुपए अगर है, 64 रुपए, 65 रुपए, 66 रुपए, इसका मतलब है जितना गोल्ड उनके पास है उतने गोल्ड में हमने 66 गुना ज्यादा करेंसी छाप ली है अपने कंट्री को चलाने के लिए। क्योंकि इंटरनल व्यवस्था तो हमारी है, हम अपनी चला लेंगे, लेकिन इंटरनेशनली उसको चलाने के लिए तो हमको अवमूल्यन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहेंगे भाई करेंसी आपने ज्यादा छाप रखी, गोल्ड आपके पास कम है, आपकी करेंसी हम क्यों ले ले, तो वो हमारी करेंसी नहीं लेंगे, वो हमारी करेंसी लेंगे नहीं और उनके मतलब की भी नहीं है हमारी करेंसी, वो क्यों, वो उनके यहां चलती नहीं है। तो क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में वो हमारी करेंसी ले जाकर एक्सचेंज करेंगे और अपना डॉलर वहां से लेंगे। तो वहां जैसी हमारी करेंसी देगा वो कहेगा इनकी वैल्यू इतनी है, तो इतने डॉलर आपको मिल सकते हैं। अब हमारी करेंसी ज्यादा, करेंसी में उसको कम डॉलर मिलेंगे तो वो क्यों हमारी करेंसी लेगा? इसलिए आपको डिवेल्यूएशन तो करना ही पड़ेगा, करेंसी की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। अब जो सरकार ने जो स्टेप लिया कल परसों, उस स्टेप में जितनी करेंसी हिंदुस्तान में चल रही थी, 88 पॉइंट समथिंग बड़े नोट, 1000 और 500 के नोट थे, 88% अगर ये बड़े नोट थे तो इसके अलावा फेक करेंसी और होगी। मैं मान लू 10% फेक करेंसी चलती हुई, 5%, 1%, 2%, ये फेक करेंसी सहित सरकार ने कहा ये लीगल टेंडर नहीं रहा तो आप उसको एक्सचेंज कर लीजिए, आप बैंक में जाइए और नया करेंसी ले आइए। सरकार ने कहा 50 दिन का समय है, 50 दिन के अंदर आप अपनी करेंसी चेंज कर ले जाइए हमसे, 1000 और 500 के नोटों की जगह 2000 के नोट ले जाओ, 100 के नोट ले जाओ हमसे, या 500 का नया नोट ले जाओ। अब देखो इसमें अगर हम ये मान लें कि 30% या 40% ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी तो ओपन होनी नहीं, वो बैंक में जानी नहीं, जो करेंसी है ऐसा माना गया कि 18 लाख करोड़ रुपया,
की लगभग करेंसी है। 18 लाख करोड़ रुपए में अगर हम ये मान लें कि 5 लाख करोड़ रुपया जमा ही नहीं हुआ, लोगों ने फेंक दिया, जला दिया या कुछ और कर दिया, 10-12 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ। अब 10-12 लाख करोड़ एक्सचेंज हो गया किसके एवज में? उसी सोने के एवज में। तो अब उस सोने में 18 लाख करोड़ रुपया छप रहा था, उसी सोने में 12 लाख करोड़ रुपया छपा। तो 30% आपके जो वैल्यू है रुपए की वो बढ़ गई, मजबूत हो जाएगा तुरंत। इसलिए 68 रुपए का जो डॉलर था वो एकदम एक ही दिन में 64 रुपए का हो गया, 4 डॉलर गिरे। और अभी तो ये मुहिम चलने वाली है 31 मार्च 2017 तक, 2017 तक पता लग जाएगा कि 30% 25% 40% कितना पैसा ऐसा है जो ब्लैक मनी था, डिस्क्लोज्ड नहीं था। वो अनडिस्क्लोज्ड पैसा तो दोबारा कभी आने ही नहीं, वो लीगल टेंडर हो ही नहीं सकता, वो तो होगी रद्दी 10 रुपए किलो की, उसका कुछ नहीं होना। तो अब क्या है कि सरकार का एक साथ दो अच्छे काम होने वाले हैं, बल्कि 3 लाभ होते हैं इससे। एक लाभ तो सरकार का यह होता है कि ब्लैक मनी डाउन हो गई, आम आदमी अप हो जाएगा, जिसके पास नंबर एक का पैसा है वो 2 गुने रुपए का हो गया, अब 1 डॉलर के मुकाबले उसका रुपया मजबूत हो गया, या उसका रुपया जो प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की मिल रही थी अब वो 50,000 में मिलने लगेगी, क्योंकि ब्लैक मनी 60% 40% चली गई, ठीक है ना। तो एक तो आम आदमी अपग्रेड हो जाएगा, और नंबर 2 का पैसा लगता है प्रॉपर्टी में और सोने में। सोना मोनेटाइज होकर कभी ना कभी पकड़ ही जाता है, प्रॉपर्टी के रेट्स का हमें पता नहीं लगता, क्योंकि प्रॉपर्टी 25 लाख की ऑन पेपर्स होती है और 1.25 करोड़ की बिकती है, जैसा ट्रेंड मिलता है लोग बताते हैं। तो अब जो 1 करोड़ रुपया है वो कैसा था? वो तो ब्लैक मनी था, वो 1 करोड़ तो होगा ही नहीं अब। तो 25 लाख की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अगर ऊपर नंबर 1 में बिकेगी तो 30-35 लाख की बिकेगी, जो 1 करोड़ 25 लाख की प्रॉपर्टी थी वो 35 लाख की मिलेगी। आम आदमी को ये लाभ हो जाएगा, वो अपना घर बना सकता है। और सोना सरकार छापे छूपे डाल डूल के कभी ना कभी पकड़ ही लेती है, और सोने की अपनी कंप्लायंसेस हैं कि आपको इनकम टैक्स में शो करना पड़ता है, अगर पैतृक भी है तो आपको बताना पड़ेगा, तो वो तो आज नहीं तो कल, बहुत लंबे समय उसकी सर्वाइवल नहीं है। अब जो नेक्स्ट स्टेप सरकार का होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो सोने पर छापे मारने शुरू करेंगे, किसके पास कितना सोना है, और आपने डिक्लेयर क्यों नहीं किया। और अगर आपको सोना बेचना पड़ेगा भविष्य में, क्योंकि आज खरीद तो लोगे, लोग खरीद रहे होंगे, बेचना पड़ेगा तो बेचने के बाद करेंसी आएगी, वो करेंसी बैंक में जाएगी तो आपको बताना पड़ेगा कहां से लाए, और आपको वो सेल रिसीट दिखानी पड़ेगी, मैंने अपना सोना बेचा, सोना बेचा तो कहां से लाए थे ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर आप कहीं से लाए थे तो आपने पहले इनकम टैक्स के सामने डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रखा था, वेल्थ टैक्स के सामने डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रखा था, हमने कहा पैतृक है तो भी डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा, आपने क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रखा था। तो अगर करप्शन के चार्ज बचे को चांस बचेंगे तो 10-12% जो कहीं गरीब आदमी या कुछ लोग अपना छुपा छुपू के कर पाएंगे, ये एक लाभ है, एक लाभ। दूसरा लाभ यह है कि जो इंटरनेशनली भारत की छवि है कि करप्शन भारत में इतना है कि एफडीआई भारत में नहीं आ पाता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोग नहीं लगाते, कहते नहीं भारत में इतना करप्शन है, नंबर 1 का पैसा कहां से दिखाएंगे, और हम तो वहां अमेरिका से पैसा लेकर चलेंगे भारत में इन्वेस्ट करने के लिए, हम मालूम पड़ा 1 करोड़ डॉलर लेकर चले, यहां 1 करोड़ डॉलर के अलावा 2 करोड़ डॉलर करप्शन के लिए चाहिए, क्योंकि वो सेंक्शन लेगा डिपार्टमेंट से, कहीं और करप्शन कुछ लाइजनर लगाएगा, दुनिया भर की कहानी। तो वो 2 करोड़ डॉलर 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 करोड़ डॉलर ब्लैक मनी लावे, वो कहां से लाएगा, इसलिए वो इन्वेस्ट करने से डरता है। तो वो क्या करता है, फिर भारत में कोलैबोरेशन करता है किसी कंपनी से, उस कंपनी के काले धन का कहीं घुमा फिरा के, उधर नंबर 1 इधर नंबर 2 कुछ घुमा फिरा के करता है, तो उसको लगता है डर, इसलिए अब एफडीआई का इनफ्लो बढ़ेगा, भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि अब करप्शन का पैसा नहीं है। तीसरा लाभ ये होता है कि भारत की जो करेंसी है वो मजबूत होती है, तो करेंसी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि अब सोने की अपेक्षा जो नया नोट छपेगा वो सरकार की काउंटिंग में कि हमने अब 12 लाख करोड़ रुपए छापा और ये मार्केट में छोड़ दिया, और पहले था 18 लाख करोड़ रुपया, तो 6 लाख करोड़ रुपया जो ब्लैक मनी था वो ब्लैक मनी अब पता नहीं है कहां है, वो तो मनी नहीं है, वो तो
तो खत्म हो गया ना, तो कागज बचा। तो ये जो एक्सचेंज करती है सरकार, उसका ये लाभ होता है और आम आदमी को इसमें सबसे ज्यादा लाभ होता है। ऐसा सरकार एक बार 1978 में कर चुकी है। 1978 में मुरारजी भाई देसाई की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी उसमें विदेश मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 100 का नोट उस समय खत्म किया था, और 100 का नोट उस समय 100 का और 500 का नोट बहुत बड़ा नोट होता था, 100 का नोट बहुत बड़ा नोट माना जाता था 78 में। आप 78 में सोच सकते हैं कि उस समय सोने की जो कीमत है वो 350 रुपए तोला था, तो 300-400 रुपए तोले का जो सोना था वो आज 30,000 रुपए तोला है, तो 100 रुपए कितना होता होगा उस समय। आज 500 का नोट बहुत बड़ा नहीं है, उस समय 100 का नोट बहुत बड़ा होता था। उन्होंने 100 के नोट खत्म किए थे और उसका प्रभाव मार्केट में बहुत पड़ा था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या इसमें यह आती है कि जो जिनके नेटवर्क में करप्शन है, ऐसा एक 20-25% लोग होंगे जिनके नेटवर्क में करप्शन होगा, उनके करोड़ों रुपए खराब हो जाएंगे। वो सरकार के साथ निकलते हैं खुन्नस और फिर वो सरकार के अंगेंस्ट में काम करना शुरू करते हैं और सरकारें गिरा देते हैं। ये कोई जो डिसीजन सरकार का है ये आसान डिसीजन नहीं है, ये तो अपने गले पर तलवार रखकर लिया गया डिसीजन है। क्योंकि 1978 हमारे सामने एक इलस्ट्रेशन है कि 1975 की इतनी इमरजेंसी की जाति होने के बावजूद, 75 से 77 इमरजेंसी में इतनी जाति हुई कि हम आज भी उसकी जन्म तिथि और मरण तिथि मनाते हैं, और उसको भूलकर लोगों ने मुरारजी सरकार, मुरारजी देसाई की सरकार गिरा दी थी। और 80 में 371 सीटें लेकर इंदिरा गांधी पुनः आ गई थी, जिसने 75 से 77 तक हाथ पर तोड़ने में किसी की कसर नहीं छोड़ी। करेंसी इश्यू ने कि जो काला धन खत्म करने की कोशिश मुरारजी सरकार की थी, उस काला धन को समाप्त करने में लोगों ने कहा नहीं, कम से कम वो काला धन मेरा था, मेरा धन तो था, मार पड़ी तो हम छह लेंगे, लेकिन काला धन तो ठीक रहेगा, हमारा पैसा तो ठीक रहेगा। तो 78 में इंदिरा गांधी की सरकार पुनः आ गई थी इसी डिसीजन की वजह से। तो कोई भी सरकार अगर इस प्रकार का डिसीजन लेती है तो ये मान के चलो कि वो अपने गले पर चाकू रखकर डिसीजन लेती है, वो बिल्कुल मौत की कगार पर खड़े होकर डिसीजन लेती है। ये सामान्य लोगों के बस का काम नहीं है। जो सत्ता के लोलुप लोग हैं, जिनको सत्ता अच्छी लगती है, जिनको सत्ता में बने रहना अच्छा लगता है, जिनको सत्ता से लाभ लेना अच्छा लगता है, उनके बस का ये डिसीजन नहीं है कि वो डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि इलस्ट्रेशन संसार भर के बहुत बुरे हैं जब जब ये गिरा। तो अभी हमको भी, सबको अभी लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा हुआ और उस समय अप्रिशिएट किया था 78 में भी लोगों ने, लेकिन इसकी कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई पड़ेंगी साल भर बाद। और साल भर बाद के बाद वो कहेगा नहीं यार, करप्शन का पैसा होता तो 1,000 इसको दे देते, 500 उसको दे देते, तो ऐसा कर लेते, तो वैसा कर लेते, वो होता तो ऐसा हो जाता, अब तो पैसे ही नहीं है कहां से लाएं। बस इतना है कि सरकार अगर ट्रांसपेरेंसी में और सक्सेस हो पाई तो यह खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और अगर सरकार लूज रह गई तो ये करप्शन इशू, ये जो ब्लैक मनी इशू है, ये सरकार को ले डूबता है। मुरारजी देसाई सरकार के समय पर ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलावा एक और बयान आया, उस बयान में लोगों ने कहा कि तुगलकी फरमान है। कांग्रेस ने कहा, आम आदमी पार्टी ने कहा, ममता बनर्जी ने कहा, कई लोगों ने कहा ये तुगलकी फरमान है। ये कहा क्यों, ये सगुफा कहां से आया? मोहम्मद बिन तुगलक ने इस तरह का रिफॉर्म लाया था वो 13वीं सेंचुरी में, और उसने डिवेल्युएशन किया था। और हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये भी सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक जो मेंटल शासक था, फिर बाद में लोगों ने आज के जमाने पे कहना शुरू किया कि उसने वो कदम 13वीं सदी में उठाए जो आज सरकारें उठाती हैं, डिवेल्युएशन वगैरह, करेंसी को चेंज करना और राजधानियों को चेंज करना, रिफॉर्म लाना, उस समय उसने किया। क्या है, उस समय जब उसने किया होगा तो उसका रिफॉर्म तो अच्छा था, लेकिन उसकी मैकेनिज्म नहीं रही होगी, क्योंकि वो अकेला रिफॉर्मिस्ट रहा होगा, इसलिए वो हो गया फेल। क्योंकि करेंसी लोगों ने छापनी शुरू कर दी घरों में, उस समय करेंसी पर एक निशान लगता था और टकसाल सरकार के होते थे, तो सरकार टकसालों में पीतल का और उसका सिक्का जो भी होता था वो काटती थी और उस पर एक निशान लगाती थी और वो सिक्का माना जाता था।
लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर जो था वो उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। 1978 में भी इलेक्ट्रॉनिकली भारत इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो करप्शन रोक पाता। उसने ब्लैक मनी तो बाहर निकलवा दी लेकिन फ्यूचर करप्शन को नहीं रोक पाया, लोगों की मेंटेलिटी को नहीं रोक पाए होंगे, इसलिए 80 में सरकार गिर गई। लेकिन आज 2016 में हमको ये सोचना चाहिए कि सरकार के पास सारी विधियां हैं, इलेक्ट्रॉनिकली सरकार बहुत स्ट्रांग है, वर्ल्ड फिजिकली सरकार बहुत स्ट्रांग है, फुल मेजोरिटी की सरकार है। मोरारजी देसाई की सरकार मेजोरिटी की सरकार नहीं थी, आज मेजोरिटी की सरकार है। आज सरकार के डिसीजन पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला व्यक्ति नहीं है अपोजिशन को छोड़कर। इसलिए इसके सफल होने की 99.99% संभावना है। और आम आदमी जो जो खाई बहुत बड़ी बन गई, 78 में खाई इतनी बड़ी नहीं थी, 78 में खाई इतनी बड़ी नहीं थी। सबसे बड़ा करप्शन जो हुआ 2004 से 2014 हुआ, जिसमें अरबों करोड़ रुपया भार हुआ सरकार का, और सरकार ने छापा, सरकार ने ज्यादा पैसा छाप कर लोगों के वेतन आयोग लागू किए, पैसा बाहर निकाला, करप्शन का पैसा बाहर निकाला। उसका नतीजा ये निकला कि डॉलर मजबूत होता चला गया, रुपया गिरता चला गया। मालूम पड़ा कि 40-42 रुपए से 10 वर्ष में वो 65-67 रुपए आ गया, 65-67 रुपए आ गया। मतलब करेंसी सरकार ने ज्यादा निकाली 50%, और 50% करेंसी ज्यादा निकाली तो वो करप्शन में गई, गई कहां? नहीं, इसलिए जो करप्शन का पैसा था वो 2004 से 2014 तक बड़ी तेजी से मार्केट में आया। नतीजा ये निकला कि जो प्रॉपर्टी 1,000 रुपए गज हुआ करती थी, वो प्रॉपर्टी 70,000 60,000 रुपए गज हो गई, 50 गुना 60 गुना करप्शन का पैसा प्रॉपर्टी में लग गया। आम आदमी को फ्लोर छोड़ो एक कमरा खरीदना मुश्किल हो गया, प्रॉपर्टी का एक टुकड़ा बाथरूम बनाने के लिए खरीदना मुश्किल हो गया। क्योंकि आम आदमी जब पैसा लगाता है तो उसके पास 1,000 रुपए का 1,100 कर लेगा, लेकिन वो 1,000 रुपए की जगह कहीं भी 10,000 नहीं इन्वेस्ट कर सकता। और करप्शन का पैसा क्या करता है, प्रॉपर्टी में जो रेट बढ़ते हैं, कितने की है, 10 लाख की, दूसरा आवाज लगाता 15 की, तीसरा आवाज लगाता 20 की, चौथा कहता 25 में ले लेंगे अच्छी लोकेशन, पांचवा कहता 50 में ले लेंगे। अब देखो, 1,00,000 रुपए की प्रॉपर्टी, 10 लाख की प्रॉपर्टी 50 लाख में बिक गई। अब आम आदमी जो नॉन करप्शन का पैसा, वो 10 लाख के कितने कर लेगा, अपने गहने शहने रिश्तेदार नाते सब मिला के 10 के 12 कर लेगा, 15 कर लेगा, वो 10 के 50 नहीं कर सकता। इसलिए करप्शन का पैसा आया, प्रॉपर्टी एकदम हाई हो गई। अब करप्शन का पैसा सरकार ने एक साथ पूरा डुबो दिया, जितना 10 वर्ष में कमाया था वो एक नाइट ओवरनाइट खत्म हो गया काम। तो जिनको आदत पड़ गई उनको तो बहुत समस्या है, वो तो इनिशिएशन से फिर से शुरू करना पड़ेगा। कहीं भी खरीदने बेचने के लिए पैसा अगर आपके पास चाहिए तो कमाना पड़ेगा, कमाकर पैसा इकट्ठा करो। और ये करप्शन का जो लेवल आया, वो लेवल लाने में अब 25 साल लगेंगे। अगर मैं कहूं 2,000 का नोट भी करप्शन बढ़ाएगा तो ये 25 साल लगाएगा कम से कम, इधर इससे जल्दी नहीं हो सकते। और सरकार अगर जागरूक रही तो करप्शन का पैसा निकलने नहीं देगी, और करप्शन का पैसा उसने निकलने ना दिया तो करप्शन कैसे। और इंटरनेशनली सरकार के एग्रीमेंट्स वगैरह हो गए हैं बैंकों के साथ कि किसी भी बैंक में पैसा जमा हो, वैसे ही सरकार के पास SMS आता है, खबर आती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ED को, भारत के बताएगा कि भाई तुम्हारे नागरिक का पैसा हमारे जमा हो गया। तो अब इतना आसान नहीं रहा, अब जो बड़ा काम हो सकता है वो स्मगलिंग का, सोने की स्मगलिंग हो सकती है, सोने की स्मगलिंग में पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। उसके लिए सरकार को बड़े मेजर्स लगाने पड़ेंगे कि वो ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग को रोक ले। और मुझे लगता है कि सरकार ने पूरे बॉर्डर जिस तरह से सीज कर रखे हैं, अब ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग आसान नहीं है, आसान क्या, संभव भी नहीं है। और सरकार का जैसा मुखिया है वो बार बार कहता, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना बाल ना बच्चे, ना आगे ना पीछे, मैंने कुछ करना नहीं है, इसलिए हमने तो करने नहीं देना कुछ। तो आम आदमी जो 70% व्यक्ति बिलो पॉवर्टी लाइन पहुंच चुका है, उसके पास कहां है पैसा 500 का 1,000 का नोट। उसको तो 500 1,000 रुपए 2,000 5,000 10,000 रुपए उसने जीवन भर की कमाई कहीं बनाकर घड़े में गदाब रखी होगी, बस उतना एक्सचेंज हो सकता है। अब दूसरा सवाल आता है एग्रीकल्चरल पैसे का। लोगों का सवाल यह है कि हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर का पैसा, लोग अकाउंट नहीं खुलवाते क्योंकि बैंक बहुत दूर है उनके घर से, पैसा लाना ले जाना बहुत
मुश्किल बात है, इसलिए 10-10, 20-20 लाख रुपए वो अपनी फसल बेचकर आता है, घर में रखा रहता है और धीरे धीरे बीज खरीद कर काम चलाता रहता है घर से ही, उसको बैंक का ब्याज भी नहीं मिलता। एग्रीकल्चर के पैसे के मामले में सीधा फॉर्मूला है कि एग्रीकल्चर का पैसा बिना विदाउट टैक्स होता है, 5 मिनट में अकाउंट खोला जा सकता है। आप अपने अकाउंट में डाल लीजिए, एक डिक्लेरेशन करिए, मैं अपनी फसल बेचकर आया था, ये मेरी फसल का पैसा है। इसलिए कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्रीकल्चरल जो पैसा है उसके मामले में कोई सवाल नहीं पूछता और कोई उसको खतरा भी नहीं है। इसलिए ये केवल माहौल है कि उसका क्या होगा जो खेत में किसान है, किसान अपना अकाउंट खुलवावे बगल के बैंक में और जाकर पैसा जमा कर दे, उसका जमा हो जाएगा, इनकम टैक्स उसके ऊपर है नहीं, इसलिए उससे सवाल पूछना नहीं है और उसको ब्याज मिलेगा उल्टा, और उसका पैसा जो बैंक में जमा होगा सरकार उसका इस्तेमाल करेगी, देश के प्रोग्रेस में काम आएगा जो घर में पड़ा रहता था। तीसरा सवाल उनका आता है कि भाई जो काम वाले हैं, सब्जी वाले, खोंचे वाले, काम वाले, वो 1,000-2,000, 5,000 रुपए रखते हैं। अरे 4,000 रुपए तक प्रतिदिन सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि आप 4,000 रुपए आईडी लेकर जाइए, बैंक से चेक कर कन्वर्ट करवा लाइए, उससे आपको पूछना भी नहीं है कि तुम कहां से लाए, क्यों लाए, क्या लाए। तो चार चार आपके घर में अगर 10 सदस्य हैं और आपकी हैसियत 50,000 रुपए है और 50,000 घर में बांधकर रखते हैं, तो 4,000-4,000 रुपए करके 10 लोग बदल लाएंगे, भाई 50,000 हो गए तुम्हारे, क्यों परेशान, एक बार नहीं 2-3 बार चले जाना बैंक। अगर 1-2 लाख के आदमी हो और आपको लगता है कि मेरा अकाउंट नहीं, ये नहीं, 2-3 बार में जाकर बदल लाओगे सारा घर मिलके, कहां समस्या है, और वो पैसा 4,000 रुपए में किसी को पूछना भी नहीं है तुम कौन, कहां से लाए, क्या लाए। बात जब आएगी वो आएगी 2-2.5 लाख के ऊपर की, जब आप 2-2.5 लाख के ऊपर लेकर जाएंगे ना, तब फिर इनकम टैक्स पूछेगा, भाई एकदम अचानक, कल तक तो तुम्हारे अकाउंट में 2 रुपए नहीं थे, आज एकदम अचानक कहां से आ गए। तो आपको शो करना पड़ेगा, वो भी अगर आपका लीगल पैसा है, लीगल टेंडर है, तो आपको जवाब देने में कोई समस्या नहीं है। समस्या उनको है जो 25 लाख की प्रॉपर्टी 1.25 करोड़ में बेचकर 25 लाख रुपए नंबर एक में और 1 करोड़ घर में दबाए बैठे थे, और वो तो अच्छा ही है किसी के लिए भी, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जिसने भी। और आपने सरकार बनाई किस लिए थी, पिछले 2.5 साल से मोहल्ले मोहल्ले में बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है काला धन काला धन काला धन, सरकार ने एक ओवरनाइट काला धन काम खत्म, तो सरकार का